साडा डोले चढ़िया बैंड बच गया मुंडा। मार कपौवा फिर मैं सो गया नींद कसूती आगी। कौन सो रहा है इसके अंदर अंकल? कौन सो रहा है इसके अंदर अंकल? लाल कहाँ से आई है? अंकल मैं दिल्ली से आई हूँ। अंकल कौन है? आप अंकल हूँ? मैं अंकल हूँ? अरे ही आ जा अंकल मारी गए अंकल हम तो तू ये तो कोई नया ही नाम हो अंकल को तो नेकर हमारे यहाँ तो ऐसे ही कहते हैं। हमारे यहाँ तो बाबा के हैं तद्दू के हैं। ठीक है अंकल अब मैं आपसे ताऊजी कहूंगी। ठीक है आप कहते हैं बात सही कहिए ऐसे बोल कान का जाके वैसे दिल्ली में तो दो चुटियां की हैं थोड़ी सी तो भिल्लर मिल्लर बात होती है। नहीं पर ठीक है तू आइए तो बता अब बता कोई बात को आइए। ठीक है ताऊजी मेरा नाम निधि है ना मैं दिल्ली से आई हूँ एजुकेशन डिपार्टमेंट से। तो आप मुझे ये बताओ कि आप कितने पढ़े लिखे हो एजुकेशन की है ना आपने और आपके घर में कितने पढ़े लिखे लोग हैं और पूरे गांव में कौन कौन ने पढ़ाई कर रखी है बताओ। तो आइए मैं तुमको बता रहा हूँ वो डिपार्टमेंट है तो मैं जा दूंगा ना मेरे दौरे आप है वाक ढक जाऊ कितना बड़ा हो कितना छोटो बाकी तो ऊजा में और मैं हूँ अंगूठा टेप या इसे पेंशन मिल रही है वो ध्यान है अंगूठा टेप दो और पढ़े लिखे दो ही लड़का है गांव में एक पूरा में रहता है उन्हें मैं बोलवा दूंगा उनसे पूछ लीजिए जो तो कुछ पूछ लो मोला तो यही बात है मुझे डेंगू नहीं आवे जो तैयार हो डिपार्टमेंट। ठीक है ताऊ जी आप बुला दीजिए उनको जो भी है मैं उनसे बात कर लूंगी आपके समझ में शायद इतना नहीं आ रहा होगा। ठीक है लाली मैं लाऊ बुला के पढ़े लिखे नमकीन लड़का वैसे तो एकदम पढ़े लिखे ने लाऊ तो बुला के तू बैठ तंदे और मैं आ रहा हूं। ओह गॉड पता नहीं आज कैसे अनएजुकेटेड लोगों के बीच में फंस गई मैं। यहाँ पे पढ़ा लिखा ही नहीं है सारे खाली गवार फिर रहे हैं बिल्कुल गवार है पता नहीं अब कौन आने वाला है। भैया ठीक है लाली कि आया हूँ भाई मैं पढ़े लिखे आ रहे वो कुछ जो बताएंगे तेरे गड़ना फड़ना में इतने तू आराम कर ले मेरे समझ में या तेरा मोड़ा उतरे उतरे सो नगा पर रहा तू कचू खा पी ले भूख ही सी लग रही है। नहीं नहीं ताऊ जी मैं खा के आई हूं आप बस प्लीज उन्हें बुला दीजिए। अरे प्लीज प्लीज कछु ना आए हम प्लीज का आकरा को जब कुछ खावेगी ना तो कैसे चले हालेगी तू तो बेची बेचारी मुंह बुला भेरी। नहीं आना ताऊ जी बुला दीजिए मैं लेट हो रहा है थोड़ा सा। ठीक है तो आ तो रहे मैंने भी कहता हूँ तुरंत चली गई हूँ अब आए। गुड मॉर्निंग ताऊ जी। हाँ भैया कहाँ थे सीटो है कोई राम आए ना श्याम आए गोड़ गोड़ मोर रहा हाँ क्या चला रहो कोई नाम नमस्ते कचुना है कोई थोड़ी भी साल आग आग करी जो करी गुड़ बाबू जी गुड़ बाबू जी पहला भी वो ठिकाल है तुम कोई तो कहते नहीं गुड़ के संग कम तो पहले देते तो है कमाल कर रही है लालियों जो जान रही है पढ़े लिखे हुए तो कहा गोर खा के जाना हम ही तो दे देते गोड़ा या पढ़े लिखे ही बोला यह बात को भेरे करे थे ना गोड़वा रहे बताओ 250 रुपया भेली आ रही है गोड़ी गोड़ गोड़ बताओ गोड़ पे ठाड़िए क्या कोई और है भैया आए गो एक पढ़े लिखे और आ रहे हो कोई एक तो ये आगो बाबा गुड मॉर्निंग कहे नमस्ते थे तुम्हारी समझ में आवेगी ना मेरे तो बाबा मैं तो बाहर पढ़ो मेरी बाहर की पढ़ाई है। छो भैया बाहर कोई विदेशन की है बाबा मैं लंदन पढ़ का हूँ। अरे तेरे ऐसी टेस्टी वाला लंदन की सूदम सूदम बोलते राम राम जी राधे श्याम ये भी है भारत की भाषा तो सूदन कहाँ के अंडन बंदन अन्य डोल है यार कैसो आदमी है अभी जान दे कोई चो कोई पढ़े लिखे हो अभी यार अब तू आयो ये लाली बैठी है बहुत देर से
ये कोई पूछताछ ही करेगी यहाँ तो बतरा ले जो तो कुछ बतरा लो, हम तो ये इतने जान, हम तो पढ़े लिखे है ना। ठीक बात जी सर, तो बताओ आपका नाम क्या है और कितने तक पढ़े हो आप? आई नेम इज रेता। और तो बहुत हूँ जी, मैं इतना पढ़ा हूँ, मेरी बाहर की पढ़ाई सगरी बहुत दूर दूर तक पढ़ का आया हूँ जी मैं। अच्छा हिता जी, तो आप पढ़े लिखे हैं है ना जी? ठीक है, तो मुझे ये बताइए पांच फलों के नाम आप बता दोगे इंग्लिश में? हाँ जी, अगर काई को नाम पूछ ले मैं तो। अच्छा तो ये बताइए कि अमरूद को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अरमूद। नहीं मैं आपसे पूछूं, अमरूद को क्या इंग्लिश में क्या कहते हैं? अरमूद। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, ओके पता है आप बहुत पढ़े लिखे हो। ले भैया ठीक है प्यारा अमरूद, तुम देख लो भैया, मुझे तो तुम ऐसा ही छोरी नगार छोरा दोनों अनपढ़ से नगा पर रहे, ये तार पूरे दोनों अनपढ़ है। अच्छा अच्छा भैया मुझे पता चल गया, आप बहुत पढ़े लिखे हैं। ये ना भारत का नक्शा है ना, तो आप मुझे बताओ कि इसमें ना दिल्ली कहाँ पर है, जो दिल्ली है सिटी वो कहाँ पर है इसमें? हाँ जी दिल्ली है तो बता दूंगा जी, तो बताइए। दिल्ली 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 दिल्ली। ठीक है भैया मुझे पता चल गया आप बहुत पढ़े लिखे हो। ठीक है मैं आपका लिख लेती हूँ और अब आप जा सकते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है जी। सुना भाई लाली, कह रही कितकू गए तेरे वो कंपटू बारे ले लिए थे ना, वो पढ़े लिखे मिल गए ना, मिले खाटी ले गए वो तो। ताऊ जी वो कह रहे थे खाट उनकी, इसलिए वो ले गए। अच्छा खाट तो उनकी नाई पर ले जान दो कोई आगे होगा उनको ना। अच्छा ताऊ जी वो दूसरे वालों को और बुला दीजिए, फिर मुझे लेट हो रहा है, या फिर बुला दीजिए फिर मैं जाती हूँ। बस 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 जी, अब आवे बार हो लाली, चिंता मत कर, थोड़ी जल्दी बुला दीजिए। इतनी देर कहाँ हो, तो इतने में तो चल दिए होगा, बस आवे बार हो गैल में चल रहो होगा, बह दिए मैंने। राम राम जी भाई। राम राम गुरु जी। ए तक कहाँ तैयार हो भैया? गुरु जी डांगी जी ने कहा इंटरव्यू चल रहे हैं। काहे के? नौकरी लगा रहे हैं सरकारी, आधार कार्ड से। अच्छा जी। हाँ जी। अरे भैया मेरे द्वारे खबर भिजवाई डांगी जी ने। गुरु जी जाओ, तू कराया इंटरव्यू? कहाँ पूछी? दिल्ली की पूछे है जी। दिल्ली कहाँ? दिल्ली कहाँ? हाँ कागज ले रखो जी, नक्शा सो वहां मैंने पूछे दिल्ली, दिल्ली कहाँ बीच सेंटर में जी दिल्ली। वही धर दूंगा मैं भी, वही धर दी मेरी यहाँ दिल्ली पे। यू ठीक रही पहले मेरे को भाई, यू बहुत बढ़िया काम रहा। देख काओ जी लगी मेरी तो नौकरी लगी तेरी तो पता ना, पक्की लगी मेरी। ठीक है तो मैं जाऊंगा। अब मास्टर जी एक चीज और है, फलन के नाम और पूछेगी तुम्हें? फलन के नाम? हाँ जी फलन के नाम तो बता दूंगा। हाँ तो सेब संतरा केला चीकू अनार सब बता दूंगा। चीकू पपीता इनके कुछ भी पूछ सके, फलन नाम पूछे। ठीक है भैया धन्यवाद। ठीक है गुरु जी, राम राम जी। राम राम। कैसे हमें भाई पूरन भगत जी? हाय 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 मैडम जी, हाय। हेलो, जुखार फुकार है? हाय करावे की जगह पे करी हाय कहा चलिए भैया? हाय। अच्छा बुखार है? ना बुखार ना है हमारे, जुखार फुकार में कराओ करे कहते कोई दर्द फट चल जाए जब। ताऊ जी आपको पता तो है नहीं, आप कहीं पढ़े नहीं लिखे नहीं, किसी स्कूल में गए नहीं, हाय का मतलब है कैसे हो? अच्छा तो सुदम सट का क्या हाल है? है क्या हाल है? क्या ठीक ठाक हो? आप गांव में रहते हो ना अभी? मैडम जी आप जानते हो ना? हाय हाय मैडम। अच्छा समझ रही तुम्हारी भाषा हो? और क्या है लाली, तू हमारी भाषा था समझ रही? एक मतलब ही पढ़े लिखे चौक हो ये तो। हाँ। अच्छा पास है तो ठीक है भाई, पास है इंटरव्यू दूंगा। इंटरव्यू दो ऐसे ना मानो, लाली पूछ ले जो कुछ पूछना हो। दो चार सवाल करने मुझे फिर मैं इनका नाम भी रख। दो चार कर, चार कर, दस कर, अब तू जाना जाना। करो जी करो। अच्छा जी मैडम जी आप बताओ जी, मुझे ना सारा कुछ आता है, मैं बहुत पढ़े लिखा हूँ जी, ऐसी कुछ बात नहीं है। ये ताऊ जी तुम ऐसे ही अनपढ़ है, ये नहीं जानते जी। मैं जानता हूँ, आप मेरा इंटरव्यू ले सकते हो और मुझे पता है आप फलों के नाम पूछोगे और जो भी कुछ पूछना। नहीं 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 देखिए मैं आपसे फलों के नाम नहीं पूछूंगी। और जी आप टेबल के बारे में जानते हो? टेबल्स? हाँ टेबल बहुत अच्छी तरह जानूंगी मैं। टेबल बताए रखे थे हमारे दो? नहीं 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 मैं उस टेबल की बात नहीं कर रही हूँ। टेबल्स मतलब मींस पहाड़े। पहाड़े? अजी बताओ बिल्कुल फिट है जी मेरे तो। आते हैं आप? ओ पहाड़े तो हमारे गांव में कर ले है जी।
ताऊ जी वो पहाड़ ना पहाड़े पहाड़ कुछ और है हमारे पहाड़ ऊंचे ऊंचे हैं खूब पेड़ बताओ तुम अच्छा अच्छा ठीक है मैम साहब से बता रहा हूँ तो आपने मुझे पांच का पहाड़ा सुनाई है पांच का पहाड़ सुनो जी, जी, जी। पांच को पहाड़ो तो जी एक दो तीन चार पांच पांच को पहाड़ो पांच एकम पांच पर है पांच दूनी तेर है पांच की अठारह पांच अठे सत्रह बस 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 ठीक है जी बिल्कुल सही सुना है आप पहले क्या करो मैं फिट करूंगा हर चीज सब आ गए और सुन रहे हो जी मैं सब नहीं नहीं इतना ही बहुत है मैं समझ गई ठीक है सही बोल रहे हैं मैम पहाड़े जी बिल्कुल सही बोला है और जी मैडम जी ठीक है तो ये ना नक्शा लीजिए है ना ये नक्शा दिखा आपको अच्छा अच्छा मुझे ये बताओ कि इसमें ना प्रशांत महासागर कहाँ पर है इसमें जी प्रशांत महासागर बताओ मैडम जी प्रशांत महासागर जी वही प्रशांत तो बाबा ना प्रशांत बाबा ना प्रशांत महासागर पूछे हो मैडम ने पर वो जो मो हेता मिले हो उन्हें यो कह रहा हूँ दिल्ली दिल्ली के दौरे होगा प्रशांत को बाबा बाबा ना प्रशांत महासागर दिल्ली दिल्ली के दौरे हुई है मैडम वो घुमा रही है मैडम वो घुमा रही है तो ठीक कोई बात नहीं मैं भी मैडम पूरा ही घुमा दूंगा आज अब बताता हूँ कहाँ है प्रशांत को अरे यार बाबा ना महासागर है प्रशांत महासागर मैडम जी प्रशांत महासागर प्रशांत महासागर मैडम जी मैं बताऊं जी बताओ यू यू यही है जी प्रशांत महासागर यहाँ ये प्रशांत महासागर है हाँ जी प्रशांत महासागर ये तो पक्का पता है प्रशांत महासागर है कमाल कर रही है मैडम प्रशांत महासागर ये है कैसे मुझे पता है जी पढ़े लिखे हूँ मैं अच्छा बताओ मुझे कैसे मैडम जी आप कहाँ सोच रही हो जो आप जो पहला आदमी आया मैं बता रहा हूँ आप जो हेता आया हो जो हाँ मैं सोच रही हूँ मुझे ज्यादा पढ़े हो वो मैडम जी वो कुछ भी ना मेरे आगे वो आठ पढ़े हो आठ और मैं पूरे पांच पढ़े हूँ मैडम जी ऐसे ही ना हूँ मैं जब वो दिल्ली यहाँ बता सके मैडम जी तो मैं प्रशांत महासागर भी यही बताऊंगा जी अच्छा हाँ अब दिल्ली क्यों ना पूछी मोती आप दिल्ली की क्यों ना पूछी आपने मोती नहीं बताओ तो जो मुझे पूछना होगा वो तो ज्यादा होशियार है का वक्त तो शहर की पूछ रहे हो आते तो प्रशांत महासागर कहा हो जी बताइए तो मैं प्रशांत महासागर नहीं पता ना पतो जी मैं प्रशांत को बाबा है जी हमारे वहां ढूंढ रहा हूँ मैं थे प्रशांत महासागर मतलब समुद्र को बोलते हैं समुद्र जहाँ वो घने पानी रहे जी हाँ बहुत बड़ा सा बहुत बड़ा सा मैडम जी कमाल कर दिया तुमने हद कर दी तुमने बात तो दिल्ली देश की राजधानी पूछ ली वो तो प्रशांत महासागर पूछ रही है बहुत बढ़िया तुम्हें पता है प्रशांत महासागर किसे कहते हैं वो करना कहा मैडम ऐसे ना हो करे प्रशांत महासागर के ऊपर हमारी नौकरी कैंसिल हो जाएगी और तुमने प्रशांत महासागर तुमसे किसने कहा कि नौकरी लग रही है यहाँ पर उसी ने कही हेता ने कही मोते तो मैं कह रहा आधार कार्ड देखेंगे वे और पैन कार्ड देखेंगे और नौकरी लग जाएगी मैं एजुकेशनल डिपार्टमेंट से आई हूँ यहाँ पे ये पता करने कि हाँ गांव में कितने पढ़े लिखे लोग हैं तो प्रशांत महासागर में डूब के मरना है का प्रशांत महासागर कहाँ से आ गए प्रशांत महासागर ही रहेगा फिर तो और कोई रहेगा ही नहीं देश में अच्छा जी हम तो जा रहे हैं जी ठीक है कल मेरा आगे नाम लिख दो जी मैंने मान लिया नाम लिखो जी वो नौकरी लगवाओ अभी ला दो नाम लिख दो जी पक्का हाँ देख लग गई ताऊ नौकरी लग गई देखो भैया लग तो रही है तुम जाओ प्लीज यहाँ से अच्छा मेरे मुझे लग गई ना नौकरी हाँ लग गई तुम जाओ ठीक है कुछ तू लाऊं जी खाने के लाऊं नहीं नहीं कुछ मिठाई मिठाई नहीं मैं ठीक हूँ तुम जाओ प्लीज ठीक है तब मैं तो जा रहा हूँ अच्छा मैडम जी हाय 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 ठीक है हाय 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 राम राम जी राम राम हाय ऐसे पढ़े लिखे लोग हैं आपके गांव में आप तो कहते बहुत पढ़े लिखे लोग हैं
बिल्कुल गवार्टी कुछ नहीं आता दोनों को। हमारे गांव में शब्द बड़े ज्यादा पढ़े लिखे ये दोनों, वो मैंने तो घेरा कर दिया। पता है मेरा पूरा दिन खराब कर दिया इन लोगों ने। अब बताइए मैं क्या करूंगी, क्यों मुझे रिपोर्ट भेजनी थी, उसमें क्या रिपोर्ट भेजूंगी मैं। हम रिपोर्ट लिख दे, पढ़े लिखे हैं बहुत जोर के। बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है ताऊ जी। तो हम तो नितियों के हम बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत कर रहे पढ़े लिखे हैं, दूर दूर तक तुम के फिर और बुलाऊ तो फिर मैं। नहीं 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 मुझे माफ कीजिए, मैं जा रही हूँ, अब मेरे बस की नहीं है यो करना ना। और है इनके ज्यादा पढ़े लिखे ताऊ जी, मैं जा रही हूँ सॉरी। अच्छा नौकरी फोकरी ना लगेंगे जो कोई कंप्यूटर ताऊ जी, इंटरव्यू नौकरी का नहीं था, पढ़े लिखे लोग इंटरव्यू था। कितने पढ़े लिखे लोग हैं लेकर? अरे तुम यू कह देते तो आते ना एक नौकरी ना लग रहा। बिल्कुल गरवाल लोग ताऊ जी आपके गांव में, मुझे माफ कीजिए मैं घर जा रही हूँ। अब कहा गई जब तो पढ़े लिखे पाएंगे आपके चली दिला ली तो आपके बढ़िया बारे पढ़े लिखे लाऊंगो जी जरूर। अब तक कैसे लाऊंगो एकदम एक वो लाऊंगो पढ़े लिखे और एक सियाटा लाऊंगो पढ़े लिखे राधे श्याम। अब किस बोलिए लाली राधे श्याम बढ़िया ले देखी जाए जी, ये तो पढ़े लिखे ना पाए पर हमने मैडम पढ़ा दी नहीं है। नमस्ते नमस्ते करती आई राधे राधे पाएगी। आपके दो चार दिन और आई एकदम वह माला दबा देंगे हाथ में राधे 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 रटेगी। मैम साहब तो एकदम सुधर जाएगी जो मान ले, ये भी एक राधा रानी की कृपा है। जय श्री राधे राधे राधे। हमारे कॉमेडी हमारे साथी कलाकार इस कॉमेडी में काम कर रहे हैं, आपको कैसे लगे? उम्मीद करते हैं सभी को अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे नहीं लगे हैं, काम में कोई कमी रह गई है तो कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा जो ये चैनल है मनफूल सिंह डांगी ऑफिशियल, इसको सब्सक्राइब करें, सभी लोग पसंद करें। और ये हमारे साकेश जी जुड़े हैं, बहुत अच्छे हास्य कलाकार हैं। और ये मैडम निधि क्या लगाते हैं? राधे राधे। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट्स करें, कमेंट खूब कीजिएगा प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को।